रसमाला टेन जी का क्वेश्चन नंबर आज 9 देखेंगे, जो कि है नल ए और नल बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे नल ए का 1 घंटे का काम बराबर 1/10। नल ए जो है 10 घंटा में टंकी को भरता है, तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/10। उसी तरह नल बी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/15, ये 15 घंटे में भरता है। ठीक है, तो दोनों नल नल ए प्लस बी यानी दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो का 1 घंटे का काम हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1/10, 1/10 प्लस 1/15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, लघुत्तम हो जाएगा, तो 10 या 30 और 15 दूनी 30 यानी 5/30। ठीक है, तो 5 से 30 काट देंगे तो आ जाएगा 1/6। अब देखिए नल ए और बी का 1 घंटे का काम हो गया 1/6, तो यहां पर लिख देंगे नल ए प्लस बी टंकी को उल्टा हो जाएगा, 1 घंटे का काम है 1/6, तो वह टंकी को 6 घंटे में भरेगा, को 6 घंटों में भर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 घंटा आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगा? ठीक है, तो ये भी इसी तरह है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लिखेंगे नल ए का 1 घंटे का काम बराबर हो जाएगा 1/6। नल ए जो है 6 घंटे में भर रहा है, तो नल बी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो नल सी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/12। अब तीनों नल को जोड़ेंगे, नल ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/6 प्लस, तीनों को जोड़ देंगे 8 प्लस 1/12। देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 लघुत्तम हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 8 या 24 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/24। ठीक है, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, ये आ गया 3/8 यानी 1 घंटे का काम हो गया तीनों मिल करके 3/8। तो नल ए प्लस बी प्लस सी टंकी को उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 घंटे का काम है 3/8, तो टंकी को 8/3 घंटा में भर देगा। इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 2/3 घंटों में भर देगा, तो एक ये आंसर हो गया। आप देखिए यहाँ पे 2 घंटा है और 2/3 घंटा में है, तो उसको मिनट में चेंज कर लेंगे, तो पहले तो यहाँ पे दो है, तो उसको 2 घंटा लिख लेंगे और 2/3 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे यानी 60 से गुना करेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 दूनी 6 20, 20 दूनी 40 यानी 40 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट। इस पूर्णांक को हम बदल देंगे, 2/3 को मिनट में बदल देंगे और 2 घंटा को उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। यदि 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, तो 8 मजदूर मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? प्रत्येक मजदूर के काम करने की क्षमता बराबर है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 15 मजदूर मजदूर किसी काम को चौबीस दिनों में करता है। ठीक है, तो एक मजदूर कितना दिन में करेगा? 15 मजदूर है जो 24 दिन में कोई काम खत्म करता है, तो एक मजदूर कितना दिन में करेगा? 24 × 15 यानी एक मजदूर होगा तो दिन ज्यादा लगेगा, तो 24 × 15 कर देंगे,
ये 15 है, ठीक है। तो 15 मजदूर 24 दिन में काम कर रहा है, तो एक मजदूर यानी दिन ज्यादा हो तो गुना हो जाएगा, ठीक है, इतना दिन में करेगा। अब देखिए कितना पूछ रहा है कि 8 मजदूर कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे 8 लिख लिए, तो 8 मजदूर किसी काम को 24 × 15 भागा हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे काटेंगे इसको, 8 तिया 24, 15 तिया 45, यानी 45 दिनों में करेगा, तो इसका 45 दिन हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक आदमी 25 घंटे में 75 पन्ने नकल कर सकता है, तो 45 पन्ने नकल करने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। 12 यहां पर लिखेंगे 75 पन्ने नकल करने में एक आदमी को 25 घंटे लगते हैं, तो यहां पे देखिए लिख लेंगे 75 पन्ने नकल करने में एक आदमी को 25 घंटे लग रहा है, ठीक है, तो एक पन्ने नकल करने में उसको कितना लगेगा, 25/75 घंटे लगेगा, ठीक है, 75 पन्ने नकल करने में 25 घंटा लग रहा है, तो एक पन्ने नकल कर पन्ना कम गया तो टाइम भी कम जाएगा, तो 25/ यानी भागा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 45 पन्ने नकल करने में एक आदमी को कितना टाइम लगेगा, तो गुना कर देंगे, यानी 25/75 × 1 में भागा हो गया, तो 45 में 45 का पूछा है तो उसको गुना कर देंगे, इतना घंटा लगेगा, इसको काट देंगे, तो देखिए 25 तिया 75 और 3 से 45 यानी 15/12, 15 तिया 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 घंटे, ठीक है, तो यानी 45 पन्ने नकल करने में उसको 15 घंटे लगेंगे। तो यह चैप्टर खत्म हो गया 10G, अब कल से इसके आगे वाला शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।